सबवे बेस की पहले महिलाएं आज़ादी से घूम नहीं सकती थी। पहले महिलाओं को एकदम मतलब कहीं बाहर निकलेगी तो एक डर था, उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी। वो मोदी जी ने अभी करके दिए अपने राज में। नरेंद्र मोदी है तो कोई नहीं, हम लोग को सब दिया, गांव में चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया, पगार दिया, घर दिया, सब दिया नरेंद्र मोदी, सब दिया। वो है तो कोई नहीं, जब से वो है जब से सब गांव में है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या करेंगे, अगर हम तक तो पता चले तो हम समझ में आए। मेरा आशीर्वाद है मोदी को, पंडवी साहब या खान साहब, हाँ सबको आशीर्वाद, तुम आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ है। मोदी जी ने 10 साल बहुत महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है, उनको आगे लाया है और आगे भी हम चाहते हैं मोदी जी जीत कर आए और महिलाओं का और उत्साह और आगे उनकी काफ़ी कुछ उनके लिए योजनाओं को आगे करें। बीजेपी है आगे, सबसे आगे हमारे, मतलब जलगांव में हो, चाहे अकोला में हो, चाहे अमरावती में हो, चाहे नांदेड़ में हो, चाहे बॉम्बे में हो, सब अभी तो सबसे ज़्यादा बीजेपी है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी है। नमस्कार, द न्यूज़पेपर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और महाराष्ट्र के मतदान में आज से गिनती के 26 दिन बचे हैं और इन 26 दिनों में अभी महायुति हो चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, अभी इन दोनों संगठनों को अभी अपने कैंडिडेटों की घोषणाएं भी कुछ सीटों पर करनी है, लेकिन घोषणा करने का काम पार्टियों का काम है, हमारा काम जनता से राय लेकर आप लोगों तक पहुँचाना है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने महिलाओं से यानी कि मातृशक्ति से कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं और इनका मिजाज जानेंगे कि इस बार इनका क्या मूड है, क्या मिजाज है, किस पार्टी को ये अपना सहयोग करेंगी, साथ देंगी और क्यों करेंगे। तो सीधे इनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? कोमल सिंह नाम है मेरा सर। क्या कहना चाहेंगी, हम तो दिल्ली से आए हैं, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, कौन पार्टी आप मजबूत देखती हैं, कौन पार्टी फाइट में है? मैंने जहाँ तक देखी हूँ कि 10 साल से जो हमारे मोदी जी आए हैं उन्होंने जो भी हमारे देश के लिए और हिंदुत्व के लिए किया है उसका तो सभी लोग जानते ही है, उसके लिए कुछ बोलने का वो ही नहीं है। पर हाँ, हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने जो हमारे महिलाओं के लिए किया है वो भी बहुत ये है, जैसे कि अभी जस्ट कुछ टाइम हुआ है सारे स्कीम निकली है सरकार की, इतनी सारी हम तक पहुँची है। जो हमारे इधर ही विधानसभा है जिसमें एसएम खान जी की ऑफिस है, उसमें सारी स्कीम हम महिलाओं को इजीली मिल जाती है और पहुँचती है, वहाँ फॉर्म भरो तुरंत हमारा काम भी हो जाता है जी। और अभी जस्ट थोड़े टाइम में जो निकला है हमारी लाडली बहन योजना का, उसमें फडणवीस साहब ने जो सरकार ने हमारे लिए किया है, हाँ हमारे अकाउंट में हर महीने पैसा भी आ रहा है और प्लस हमारे एसएम खान जी ने 10,000 महिलाओं को साड़ी और सूट का वितरण करने का निर्णय लिया था, वो भी प्रोग्राम बहुत अच्छे से फडणवीस सर के इससे और मैडम अमृता ताई मैडम ने खुद ही आके अपने हाथों से 10,000 महिलाओं को साड़ी और सूट का वितरण भी किया है। ये तो आपने सुविधाएं बता दी जो आपको मिली है, यानी कि सुविधाएं मिलती है बहुत सारी, जितनी भी सुविधाएं होती है सरकार की तरफ से आती है महिलाओं के लिए, सारी सुविधाएं सारी महिलाओं तक पहुंचती भी है। अब ये बताइए क्या क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 10 सालों में काम किए क्या जनता उसको भी देखकर वोट करेगी? जरूर करेगी और करना भी चाहिए, अगर हम लोग को हिंदुत्व का राज चलाना है इंडिया में तो ऑब्वियसली मोदी जी को ही सपोर्ट करना चाहिए। ये बहन जी कहाँ जाएंगी, ये बुरके वाली, इन लोगों के लिए भी किया है ऑब्वियसली, 3 तलाक का मोदी जी ने किया है इन लोगों के लिए भी, इन लोगों की भी तो फैसिलिटी की है ना सरकार ने, हमारे मोदी जी ने पूरे हिंदुत्व को ही नहीं हर किसी के लिए किया है। योजनाएं इन बहन जी को भी मिलती है कि नहीं? ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि बस आपके घर पहुंच गई और बहन जी के साथ भेदभाव, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, हमारे सरकार ने सबके लिए किया है, चाहे वो कोई भी कास्ट की हो, महिलाएं कुछ भी हो, हर किसी को सुविधाएं का लाभ मिल रहा है। ये बताओ अभी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी गुजरात में चले जाएंगे, अब मोदी जी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, ये तो उद्धव ठाकरे जी की मुझे ऐसे लगता है सोच ही रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बोले हैं महिलाओं के लिए कभी कुछ किए नहीं है, सिर्फ उन्होंने बोला है, मुझे नहीं लगता आज तक हमको तो उद्धव ठाकरे जी के राज में कुछ नहीं मिला है। वो तो कह रहे हैं कि जब हमारा राज था सब बढ़िया था एकदम, कुछ भी नहीं चल रहा था उस टाइम पे, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, रात में 9 बजता है तो महिलाओं को घर में बुला लिया जाता था, घर वाले खुद बुला लेते थे अरे बाहर मत जाओ। आज हम योगी जी के और मोदी जी के राज में बिंदास घूम रहे महिलाएं। आज कैसा है सुरक्षा का माहौल? सुरक्षा है तभी तो हम लोग बाहर घूम पा रहे हैं ना, कोई समस्या कोई परेशानी? कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे सरकार ने नियम ही निकाला है कि जो भी परेशानी होगी महिलाओं को सीधा उसको उसके लिए सजा ही इतनी बड़ी निकाली है तो महिलाओं को कोई डर ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में क्या रहने वाला है चुनाव के लिए, क्या मुद्दे रहेंगे जब वोट डालेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार ने जो हिंदुत्व के लिए और हमारी महिलाओं के लिए किया है वो आज ये है कि महिलाएं सिर्फ अपने देश पे ही नहीं अपने घर में भी हर जगह महिलाओं का मान सम्मान बहुत है।
और यही मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है महिलाओं को जो अब सम्मान मिल रहा है ये पहले से मिलता तो बात अलग रहती, बट अभी जो मोदी सरकार के राज में मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मोदी सरकार को सपोर्ट है ही है और यही मुद्दा सब में बड़ा रहेगा क्योंकि आज तक महिलाओं की इज्जत नहीं हुई है। तो मोदी जी ने क्या इज्जत दिया आपको, क्या मान सम्मान बढ़ाया आप? मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए स्कीम निकाली और सब में बेस की, पहले महिलाएं आज़ादी से घूम नहीं सकती थी, पहले महिलाओं को एकदम मतलब कहीं बाहर निकलेगी तो एक डर था, उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी, वो मोदी जी ने अभी करके दी अपने राज में। महिलाओं के लिए सारी सुविधाएं निकाली है, शौचालय महिलाओं के, जैसे कि महिलाओं को पहले प्रॉब्लम होती थी कि शौचालय नहीं है, रात में अंधेरे में उठ उठ के उनको जाना पड़ता था, तो मोदी जी ने अब महिलाओं को शौचालय के लिए पैसा देकर शौचालय बना दिया है, हर घर घर में शौचालय का बंदोबस्त कर दिया है। का बिगुल बज रहा है इस बार महाराष्ट्र में, कौन सरकार बना रहा है? महाराष्ट्र में तो ऑब्वियसली हमारा मोदी जी की ही सरकार बनेगी, हमारी उसको कोई वो नहीं कर सकता। राहुल गांधी कहने कहां मोदी जी बुढ़ापे में चले गए, अब किसी युवा को देखो राहुल गांधी को। मैं राहुल गांधी के लिए ये नहीं बोलूंगी कि राहुल गांधी बुरे है, पर राहुल गांधी अगर थोड़ा सा कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना और जो बोलना चाहते उसको अगर कर पाए तो शायद ज्यादा बेटर होगा राहुल जी के लिए। वो बुरे नहीं है बट उनके बोल और उनके विचार मैच नहीं होते, वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। वो तो कह रहे हैं कि मेरी दादी ने इस देश के लिए शहीद हो गई, मेरे पिता हो गए, हमने देश को सींचा अपने खून से। उन्होंने खून से सींचा लेकिन किया क्या है, ना महिलाओं की मान सम्मान कभी हुआ है, ना महिलाओं को कोई फैसिलिटी मिली है, इवन हिंदुत्व खुद नहीं बचा था उस टाइम पे। तो राहुल गांधी जी ने क्या किया? आज मैं बोल सकती हूँ योगी जी के और मोदी जी के राज में हमारा हिंदुत्व है, आज बोल सकते हैं हिंदू राष्ट्र है। आपके लिए ये सबसे सब में बड़ी मुद्दा है कि हिंदू राष्ट्र बन गया है हमारा। आप बताइए बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीबुन्निसा है। जी, क्या कहना चाहेंगी, 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रह चुके, अब 11वां साल उनका चल रहा है, तीसरी योजना जनता ने उनको दिया शासन करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगी प्रधानमंत्री के लिए? मैं कहना चाहूँगी मोदी जी ने 10 साल बहुत महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है, उनको आगे लाया है और आगे भी हम चाहते हैं मोदी जी जीत कर आए और महिलाओं का और उत्साह और आगे उनकी काफ़ी कुछ उनके लिए योजनाओं को आगे करें। आप मुस्लिम महिला हैं तो मैं एक सवाल ये पूछूंगा कि क्या योजनाओं में कोई भेदभाव किया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये कहा जाता है कि भाई मुस्लिमों में भेदभाव करती है सरकार, आपको किसी योजना में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कोई भेदभाव है या जो इनको मिलता है वही आपको मिलता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सबके लिए, हिंदू के लिए वही मुस्लिम के लिए एक ही कानून है और एक ही योजना है बाकी सबके लिए। तो जो लोग बदनाम करते हैं वो खामा खा करते हैं? नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोलते बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ये योजना तो एक कुछ ही लोग ये कहते हैं कि मुस्लिमों में भेदभाव नहीं, वो तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिपल तलाक जैसे उस पर कानून बना, वो ठीक बना, वो करना चाहिए था या वो गलत किया? नहीं नहीं, मोदी जी ने ठीक किया, वो तो इतना ये नहीं था, नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। तो जो मोदी जी ने 3 तलाक खत्म किया वो ठीक किया? हाँ, वो ठीक किया। क्या लगता है अभी आपके महाराष्ट्र में चुनाव है, 20 नवंबर को आप वोट डालने जाएंगी, तो क्या सोचकर वोट डाल लेंगी, क्या मुद्दा रहेगा आपका, सुरक्षा रहेगी, सुविधाएं रहेंगी या क्या रहेगा आपके लिए मुद्दा? अभी जो चुनाव होगा तो हम चाहते हैं मोदी जी ही आए और आगे अच्छा और महिलाओं को और अच्छा आरक्षण दे, अच्छा उनकी सुविधा हो, योजनाओं को आगे बढ़ाए, जो शिक्षा को लेके है, जो बाहर मतलब औरतें जॉब पे जाती है उनको रात में आते वक्त बहुत ही कुछ ऐसा एक्सीडेंट कुछ ऐसे केस हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं उस पर और थोड़ा और काम किया जाए महिलाओं की सुरक्षा पे और काम। हाँ हाँ, ताकि उनको अच्छी सहूलियत बेहतर ये मिले। आप योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है कभी? हाँ, उत्तर प्रदेश के CM है। हाँ जी, कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो बड़े फेमस रहते हैं अपने बयानों नहीं को, वो तो अपने एरिया में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है, काफी फेमस भी हैं और क्योंकि उनका काम ही अच्छा है इसके लिए। जी, क्या लगता है कि महाराष्ट्र में इस बार मोदी जी के चेहरे पर सरकार बन पाएगी या ये जो उद्धव ठाकरे हैं कांग्रेस है ये सरकार बनाएगा? नहीं, हम तो सब चाहते हैं कि मोदी जी आए आगे भी, महिलाओं के लिए अच्छा करें और आगे भी करें। अच्छा, ये बताइए आप, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शौचालय बनवाए महिलाओं के लिए, क्या ये एक अच्छा कदम था उनका? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि घर पे तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो जो एक पहले का एक ये था कि लोग डब्बा लेके जाते थे, वो आज के इसमें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो किया है ये सबसे पहला और अच्छा काम उनका है शौचालय का। तो राहुल गांधी भी एक तरफ अपनी घोषणा कर रहे हैं कि भाई हम भी इस बार, हमको मौका दो, हमें बनवा दो इस बार। वो अगर कोशिश करेंगे तो बनेंगे, लेकिन अच्छा काम करके दिखाएं महिलाओं के लिए और उनके
बच्चों की शिक्षाओं से लेके हर चीज़ को जॉब में करें तो वो भी आगे आ सकते हैं, उन कोशिश तो करें। अभी किसका पलड़ा भारी मानती है, नरेंद्र मोदी का या राहुल गांधी? अभी हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही आए। नरेंद्र मोदी जी, जी आप चाहती हैं लिया आएंगे भी? हाँ आएंगे। आएंगे भी? हाँ। आप बताइए अब आपका क्या नाम है, थोड़ा सड़क से आप इस साइड आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। मेरा नाम वर्षा है। वर्षा है? हाँ। तो वर्षा जी आप भी घर में काम करने वाली महिला हैं कि रहने? हाँ हाँ, मैं घर में रहने वाली हूँ। बाहर भी कुछ काम कर? बाहर भी करती हूँ ना। हाँ, थोड़ा छोटा मोटा जॉब करती हूँ मैं। नेता लोग आएंगे अब तो आपके पास, बोलेंगे कि हमको वोट दो? वोट दो तो हम जरूर मोदी को ही साथ देंगे, जरूर मोदी को भी बोलेंगे, मोदी के बारे में बोलेंगे कि नेता लोगों को भी, मतलब नेता लोग मुझे प्रश्न पूछेंगे तो मैं नेता लोगों की बोलूंगी कि मोदी जी आना चाहिए और मोदी को ही सब लोग, महिला लोग सपोर्ट करना चाहिए मोदी को भी। क्यों करना चाहिए मोदी जी को ही सपोर्ट? क्योंकि मोदी को सपोर्ट ये इसलिए करना चाहिए कि महिला के लिए इतनी सुरक्षा की है और महिला के लिए सपोर्ट भी किया है मोदी ने, और मोदी जी बहुत महिला के लिए और भी करने वाले हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, महिलाओं के लिए काम किए हैं मोदी? हाँ, मोदी जी ने बहुत काम किया है महिला के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने भी किया था, जब हमको मौका दिया था लोगों ने, हमने भी खूब काम किया था। राहुल गांधी ने जो राहुल गांधी ने किया है अभी तक तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको जब से हमको पता है तो मोदी जी का ही सब लोग नाम लेते हैं और मोदी जी ने अच्छा किया है। क्या लग रहा है कि इस बार जैसे अभी हरियाणा में चुनाव थे, वहाँ पे अभी भाजपा का सरकार बन गया, तो महाराष्ट्र में भी बनेगा या नहीं बनेगा? भाजपा का बीजेपी का बनेगा, भाजपा ही वही है ना, भाजपा तो बीजेपी का ही बनेगा, सरकार बीजेपी की बनेगी। ये और क्या करेंगे, उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस है और शरद पवार हैं, ये तो सब लोग, मतलब ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के, इसलिए महाराष्ट्र के वो भी उद्धव ठाकरे और वो सब जो भी नेता है वो महाराष्ट्र में है तो उनके पद से वो लोग खड़े रहेंगे और जो जिसको अपने मन से, मतलब जो जिसको मानते हैं उसको वोट देंगे। आप बताओ आई, क्या नाम है आपका? जना भाई। जना भाई हो? हाँ। तो थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोलना, थोड़ा थोड़ा मराठी भी बोलना। थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलती, थोड़ा थोड़ा मराठी बोलती। तो ये बताओ कितना उम्र है आपका? आधा क्या मालूम, 60-65। तो नरेंद्र मोदी कैसे हैं, आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिए? नहीं, नरेंद्र मोदी है तो कोई नहीं, हम लोग को सब दिया, गांव में चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया, पगार दिया, घर दिया, सब दिया नरेंद्र मोदी, सब दिया। वो है तो कोई नहीं, जब से वो है, जब से सब गांव में है, रास्ते घर सब दिया हम लोग को, साड़ी वाड़ी पैसा पगार है मेरे को नरेंद्र मोदी ने दिया। पहले नहीं मिला कभी? पहले कभी नहीं मिला, किसी ने नहीं, मुर्गी का पिल्लू नहीं दिया किसी ने, मुर्गी का पिल्लू नहीं दिया, वो नरेंद्र मोदी ने दिया, हम उसको ही साथ देंगे, उन्हीं का साथ देंगे। हाँ, उसको ही साथ देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी देश को बेचने पे लगे हैं। अरे से राहुल गांधी जाने दो, जो हम जो करेगा उसको हम देखेंगे, उसने नहीं किया हम देखेंगे नहीं उसको देखेंगे हम। नरेंद्र मोदी पंडवी अन्य खान साहब, ये हाफिज है ना, इधर आते जाते ना हम लोग, तो उधर साड़ी बांटा, साड़ी दिया, हमारा सम्मान किया, हमारे लड़के लोग गया टेज पे, तो उनके आधार से गया ना टेज पे, तो वो बहुत धन्यवाद हो गए, बहुत धन्यवाद कर दिया हाँ मोदी की, जो वापस छाने गए हम लोग। ये बताओ, ये बहुत से लोग मोदी जी को गाली देते हैं, कहते हैं कि मोदी ये मोदी वो क्या, वो गाली देने वाले अभी वो ऐसा पाची उंगली तो सर एक ही सर की नहीं ना उंगली है क्या, ऐसा कोई कोई बात बोलते, कोई बोलते का क्या बोलते, खाते पीते नरेंद्र मोदी का गाली देते, खाते भी उसी का और गाली, हाँ गाली देते, खाते उसका गाली देते। हाँ, गलत बात है ना? गलत बात हम लोग तो उसको ही पहचानेंगे। कौन जीतेगा इस बार यहाँ? अरे मोदी जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा, मोदी जीतेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार मोदी को महाराष्ट्र से छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मोदी जीतेगा, क्यों तो मोदी ने बहुत किया। कह रहे कि गरीबों के लिए नहीं किया, महंगाई बहुत कर दिया मोदी। नहीं नहीं नहीं, किया गरीब के लिए, अभी महंगाई है पर दिया ना उसने। हाँ, अभी लड़की बहन, अभी मेरे को तो नहीं, लड़की बहन मेरे को तो उम्र हो गई, मातर मेरे बाल बच्चे को आया ना, बेटी बहू को मिलता, मिलता है ना। हाँ, तो वो समाधान है ना, बेटी बहू को मिलता है तो मेरे को समाधान है। मेरे को मोदी ने पगार दिया, घर दिया, हाँ
संडास बाथरूम सब दिया, नल क्या मांगता है तो वो नरेंद्र मोदी भी हम लोग को मांगता है, पंडवी साहब नरेंद्र मोदी। अच्छा आई एक बात बताओ, ये इसके मोदी के राज में जैसे महिलाएं बाहर घूमती हैं रात को बेरात को जो काम करके आती हैं, उनका सुरक्षा है कि नहीं? सुरक्षा है, हाँ वाह 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 वाह, वो मिल गया था मर गया वो। अच्छा। हाँ सुरक्षा है, लड़की लोग जाते हैं ना, कोई छेड़ता है कोई ये करता है, तब उसको मिल गया तो वो पटाख से अंदर करता है। हाँ हाँ पटाखता है पटाखता है। पहले ये सुविधा नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई सुविधा नहीं थी मेरे, नहीं नहीं पहले कुछ सुविधा नहीं थी, खाली मतदान आया कि मेरी बहन है मेरी ये है वो है, मंग मतदान गया कि कुछ भूल जाते, पर नरेंद्र मोदी ने सब किया, नरेंद्र मोदी ने सब घर दिया, पानी दिया, पैसा दिया, पगार दिया, सब दिया। तो आपके आशीष यानी कि आपका आशीर्वाद और मोदी को, मोदी को इसीलिए मोदी हारते नहीं है। नहीं नहीं हारते, आप जैसी माताओं का आशीर्वाद मोदी जी को देना। मेरा आशीर्वाद है मोदी को, पंडवी साहब या खान साहब, हाँ सबको आशीर्वाद, हाँ सबको आशीर्वाद, तुम आगे बढ़े हम तुम्हारे साथ है। अरे शिंदे जी को भी दोगी कि नहीं आशीर्वाद, जो जो अभी सीएम है? नहीं दूसरा नहीं, नहीं अभी दूसरा था मालूम नहीं, माता वो जो मालूम है वो जानती मैं, दूसरी को नहीं जानती। अरे शिंदे ही है यहाँ के सीएम है माता, जब से ये आया वो तो सब चल रहा है। हाँ शिंदे बढ़िया आदमी है, हाँ बढ़िया बढ़िया बड़ा है, गरीबों का सुनते हैं, सुनते है सुनते, गरीबा का सुनता है देखता है, गरीब को देखता है शिंदे साहब। आप बताइए क्या नाम है मैम आपका? सरिता। क्या लगता है महाराष्ट्र में 26 दिन बचे हैं आज से मतदान के लिए, 6 दिन इस महीने के और 20 दिन उस महीने के, क्या लगता है कौन पार्टी अभी तक मजबूत दिखाई दे रही है और किसका पलड़ा भारी है? ये अपना भाजपा का ही है, जो मोदी सरकार का है वही भारी है, और जैसे मोदी सरकार का जो काम रहता है वैसे हमारे जो एसएम खान जी है उनके द्वारा सब घर घर में सब उनके लेटर विटर आके सब काम हो रहा है, जैसे लाइट बिजली हो, गटर नाली हो, कुछ भी हो, सब काम खान साहब भी करते है। और क्या लगता है कि मोदी जी ने 10 साल से प्रधानमंत्री रहते हुए क्या काम किए, देश को कहाँ देखती हैं आज आप? आज तो देश पे ऊंचाई पे देखते हैं हम लोग, जिन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे साफ सफाई से तो महिला के लिए सब किया है उन्होंने, सबके लिए वो अभी जैसे वो आए तब से हमारा देश तो ऊंचाई पे चल रहा है। लेकिन जब खासदार के चुनाव थे यानी कि जब लोकसभा के खासदार बोलते हैं यहाँ पे, तो मोदी जी को यहाँ पे सीटें कम मिली, और तो विधानसभा में अब कैसे ज़्यादा मिलेंगी सीटें? देखते जब देखो अभी जिसको मालूम जैसे जैसे लोग काम करते उसके ऊपर रहता है, जैसे अभी मोदी जी का काम चालू है, जैसे खान साहब का काम चालू है, उससे मालूम पड़ेगा अभी, ऐसा तो हमको लगता है अपना मोदी सरकार ही आएगी, मोदी जी आएंगे आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मोदी जी के चेहरे में वो दम नहीं बचा, वो जादू नहीं रहा मोदी। देखो बोलने वाले बोलते रहते, आप देखने वाले देखते रहेंगे, देखने वाले इस बार भी देखते रह जाएंगे कि नहीं? मोदी जी आएंगे करके उन लोग जो बोलते हैं ना वो देखेंगे कि चेहरा किसी का आएगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए, सबसे बड़ा मुद्दा जब वोट डालने जाएंगी, सुरक्षा रहेगी क्या रहेगा, सुरक्षा रहेगी, आय रहेगी क्या रहेगा? सुरक्षा हम लोग के लिए ज्यादा सुरक्षा है। हम सुरक्षा थोड़ा समझाओ हमको। देखो जैसे पहले औरत लोग को बाहर नहीं जाना, लड़की लोग को डर लगता था, और घर में बाहर सब कोई जॉब पे नहीं जा सकता था, बोलते थे नहीं लड़कियां कुछ काम की नहीं है ऐसा बोलते थे, लेकिन आप ये देखो मोदी के सरकार से पूरी लड़की आ गया लड़के पीछे, ये उनके हाँ। अब तो आप भी घर की मालिक बन गई, आपका राशन कार्ड में नाम कर दिया मोदी जी ने, तो उनके वजह से ही ना सब मोदी जी की वजह से ही है सब आगे चल रहे, सब मोदी जी की वजह से चल रहे और आगे भी वैसे ही चलेंगे। ये जो लाड़की बहन का योजना यहाँ पे चलता है, कहीं पे लाड़ली योजना कहते हैं इसको, कहीं पे कुछ और नाम है, तो ये सबको मिल रहा है? हाँ सबको मिल रहा है, और ये धीरे धीरे सबके घर घर जाके मिल रहा है, जान जैसे एसएम खान जी बोलते जाके किसको कुछ प्रॉब्लम है क्या क्या है क्या क्या नहीं, वो उनके उधर जाके बताते तो वो भी करते, जैसे अभी छोटी जब बच्ची लड़कियों के लिए शिवकन्या की योजना निकली है, हाँ वो भी निकली है, जैसे अभी मतलब जिसके माँ बाप गरीब रहते हैं उनके बच्चे लोग के लिए शादीशुदी के लिए पैसा नहीं था तो उनको भी अभी सब सुविधा मोदी जी ने दी है, मोदी जी ने दी है। एक तरफ शिंदे साहब, अब आप पहले मेरी बात को सुनिएगा, एक तरफ शिंदे साहब हैं, अजीत पवार हैं एक तरफ, और फिर भाजपा है, और एक तरफ में कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है,
इनमें कौन सी पार्टी मजबूत है ज्यादा लोगों में? जब अजय मोदी की पार्टी एक नशिंदिया है, जैसे अपने सीएम खान जी है, वो ये पार्टी ज्यादा भारी है। आप बड़ी नाराज है, कुछ नाराजगी है क्या सरकार से? नहीं हा? नहीं, सुविधा विधा मिलती है कि नहीं? हाँ मिली, सुविधा मिली, बराबर मिलती है ना? हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं कि इनके घर पहुंच गए आपके घर? नहीं 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 नहीं, मिली मिली। मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्या लगता है जब मोदी जी के भाषण सुनती है या मोदी जी को देखती है, क्या लगता है? नहीं, भाषण तो अच्छा है, सब अच्छा है, भाषण अच्छा है, सब अच्छा है। अभी अपना ईसम खान भाई है ना, मोदी जी उधर से भेजते, ईसम भाई हम तक भेजते, तो हम, हाँ तो हम 10 महिला के जगह पे 50 महिला लेके आते, क्योंकि मोदी जी जेरे जो है ना वो हफूस में, वो ईसम खान भाई, ईसम खान भाई वो सब बोलते कि कुछ बांटने का है, कुछ थाली है। अभी ये गया ना तिल संक्रांत, उसी में थाली दिया, अभी साड़ी दिया, जन्मदिन में साड़ी दिया। हाँ मौज, तो हम तो सब टेस्ट पे थे, मेरी लड़की, हम लोग सब टेस्ट पे थे, मज़ा आया, बहुत अच्छा। राहुल गांधी भी इस बार दावा ठोक रहे हैं कि भी एक बार मौका तो दे हमको भी, हम भी कुछ करें। नहीं नहीं, एक नाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस और मोदी, ये सबसे भारी एक नंबर है, सबसे भारी, हाँ एक नंबर, क्योंकि काम कर रहे हैं ना, ऐसा काम कर रहे, तो इसीलिए सबके अच्छा लग रहा है। अभी लाडली बहन का तो एकदम बोले मत, हाँ बाप रे, कुछ साड़ी लो, ब्लाउज लो, कुछ लो, खाने का लो, होटल में जा, मैं तो होटल में गई थी खाना खाने को। अच्छा। लाडली बहन का पैसा मिला 3,000, तो मेरे बच्चों को सबको लेके, हाँ मुझे बहुत इंजॉय करी, पैसा आया ना, पहला 1500 आया, बाद में 3,000 आया, बच्चों को भी आप होटल में ले, हाँ क्योंकि, हाँ मजा करो, अभी जब तक लाडली बहन का तब तक करो, इंजॉय करो, क्योंकि भेज रहे आप लोग को। अच्छा ये बताओ, खासदार के चुनाव में फिर यहाँ भाजपा को थोड़ी कम सीटें क्यों मिली? कम सीटें मिली कांग्रेस को, ज्यादा मिली खासदार वाले चुनाव? नहीं नहीं, वो तो अभी तो हाँ इतना तो नहीं जानकारी, लेकिन अभी होएगा। आप बताइए खासदार में क्यों? लोगों को कुछ पता था नहीं, अभी सब लोगों को पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। अभी हम तक जो भी सुविधा आती है वो एसएम खान जी की ओर से आती है, नरेंद्र मोदी जो भी देते हैं वो हम तक पहुँचाते हैं एसएम खान जी। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे वर्सोवा विधानसभा में बस नरेंद्र, मतलब अपने एसएम खान जी ही, उनको ही टिकट मिले, तो वो गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए, सबके लिए वो हेल्प कर रहे हैं। हम लेडीज़ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, जिनके पास भी आज सुविधा आ रही है वो है एसएम खान जी। तो हम चाहते हैं कि इस बार उनको टिकट मिले, हाँ उनको ही मिले बस, वो आप लोगों की मदद करते हैं। हाँ हम लोगों की मदद करते हैं, उनके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बराबर, हम बोलेंगे भाई हमें ये प्रॉब्लम है, हमारी तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, चाहे गटर की हो, चाहे पानी की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे कोई भी सुविधा हो, वो हमारे लिए मतलब खड़े है। तो हम चाहते हैं कि इस बार वो थोड़ा हमारे लिए, मतलब हम सब लोगों की तरफ से बस हम चाहते हैं, लाडली बहनों की तरफ से बस हम चाहते हैं वर्सोवा विधानसभा में एसएम खान जी को टिकट मिले, बस इतना ही है मेरा। अच्छा ये बताइए, ये खासदार के चुनाव में जो राहुल गांधी ने ये बोल दिया था कि हम सबको खटाखट 1,00,000 रुपया देंगे साल का, वो याद है कि नहीं? वो देंगे, आएगा हम तक, तब हम बोलेंगे ना, हमें पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या करेंगे, अगर हम तक पता चले तो हम समझ में आए। वो देश को बचाने के लिए जंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ और देश को बचाओ। तो पहले उन्होंने भी ऐसा काम करना चाहिए ना, जैसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लाडली बहनों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, स्कूल के लिए कर रहे हैं, बाकी बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, गांव गांव में आज लाडली बहना का पैसा जिन लोगों को ज़रूरत थी उन लोगों को मिला, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे सिटी में औरतों को पैसा मिले ना मिले ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जी खेड़े गाँव में जहाँ पे औरतों को एक एक रुपए की मोहताज होती है, वो खुद अपने लिए कुछ करती नहीं है, इतना महीने का कमाती है पर एक रुपए अपने लिए खर्च करती नहीं है। किसानों को बिना का पैसा उनको मिला है, वो खुद के लिए खर्च कर रही है, थोड़ा अपने लिए देख रही है, बच्चों के लिए देख रही है, ऐसा कुछ करे ना, राहुल गांधी भी कुछ करे तो समझ में आए। पहले बनेंगे तभी तो कुछ करेंगे, पहले बनवाती तो बनेंगे ना, पहले जनता के लिए, जनता का दिल जीतेंगे तो बनेंगे ना। मोदी जी ने दिल जीत लिया ऐसा तो शुरू से हम मतलब कहने हैं, बुजुर्गों से सुना है, घर में, बाजू में, अड़ोस पड़ोस में सुना है कि वो पहले से करते आ रहे, बनने से पहले से ही वो करते आ रहे, तब जाके इतनी ऊंचाई पे पहुंचे ना। इस बार क्या लगता है कौन सरकार बनाएगा यहाँ? अभी देखते हैं, अभी चुनाव, अभी जैसे चुनाव में जो आएंगे अभी देखेंगे, अभी अभी कैसे बोल सकते हैं कि कौन भाजपा का बने, नहीं एक अंदाजा लग जाता है, एक अंदाजा, अब 26 दिन बचे हैं, हाँ तो एक अंदाजा उसमें लग जाता है कि किसकी सरकार बनी। क्या लगता है आपको, किसकी, भाजपा का या कांग्रेस? अभी तो भाजपा ही लगेगा, क्योंकि बीजेपी ही है आगे, सबसे आगे हमारे, मतलब जलगांव में हो, चाहे अकोला में हो, चाहे अमरावती में हो, चाहे नांदेड़ में हो, चाहे बॉम्बे में हो, सब अभी तो सबसे ज़्यादा बीजेपी ही है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी है। तो लाडली बहनें सब साथ देंगी अपने भैया का? लाडली बहनें ना सब साथ देंगे, क्योंकि औरत लोग के आदमी का नहीं सुनेंगे ना,
क्योंकि लाडली बहन मिल रहा है सरकार का, तो सरकार को भी देगी ना अपना एकनाथ शिंदे भाई को, देवेंद्र फडणवीस को, इसको भी वोट देंगे, आदमी का नहीं सुनेंगे, बोले कि आदमी का नहीं, वो क्या कर पैसा मिल रहा है ना लेडीज लोगों को, खटाखट निकाल के लेके आ रही औरत लोग, आदमी का नहीं सुनेंगे, आदमी बोले कि इसको वोट नहीं देगा उसको देगा वोट। आप कह रही है कि आप अपने पति की या भाई की भी बात नहीं सुनेंगे, जो पति बोलेगा कि भाई आप वहाँ पे वोट दो आप उनकी, बता ला कि वोट दो इसको दो उनको दो, वो क्या 1500 लेंगे बस, ये तो अपना लाडले बहन का चल रहा है ना अभी, ऐसा है। आप बताइए आप भी कुछ कहना चाहती है, कुछ कह दो, महाराष्ट्र में चुनाव में किसकी सरकार आना चाहिए? मोदी का सरकार आना चाहिए, बढ़िया सरकार है, अभी तो लग रहा है सबकी बढ़िया ही है, कांग्रेस बढ़िया है नहीं, अभी तो मतलब मोदी ही लग रहा है कि बढ़िया है, अभी काम अच्छे से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे बढ़िया उम्मीद है। हाँ उम्मीद तो है अभी कि करेंगे बढ़िया। ये तमाम मात्र शक्तियों की राय आपने सुनी, और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।